नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट है। तो दोस्तों आज छात्र जो है सभी जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम शुरू किए थे और इसका प्रचार जोर शोर पे किया गया था। और देखिए आप सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर छात्र पहुँच रहे हैं और भर्ती के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आना है उस ऑर्डर की जोरदार मांग उठाई है छात्रों ने। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारी छात्रों ने की और किस तरह से यह ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है। देखिए 37,339 के आप संरक्षक हो, दिवाली तक ये शिक्षक हो, इस तरह के पोस्टर, 69,000 शिक्षक भर्ती, हाथ जोड़कर गुहार, 69K का ऑर्डर निकलवाएं। और ये देखिए बहुत सारे पोस्टर बैनर इसी तरह के बने हुए हैं जो छात्र बना रहे हैं। कम मेरिट वाले नियुक्ति पत्र पा गए, ज़्यादा मेरिट वाले सड़क पर आ गए। और आगे देखिए यहाँ पे परीक्षा एक साथ, परिणाम एक साथ, चयन सूची में स्थान एक साथ, फिर नियुक्ति एक साथ क्यों नहीं। देखिए छात्र किस तरह से कितनी लगन के साथ ये पोस्टर हाथ से लिख रहे हैं, बना रहे हैं। और इस तरह से भी पोस्टर बनाए गए हैं, 37,399 प्रतीक्षारत चयनित निवेदन करते हैं कि योगी जी हमें मानसिक प्रताड़ना से मुक्त करो। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा दी हमने, अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की, फिर भी आज तक नियुक्ति पत्र नसीब नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करो, पिछले 2 वर्ष से हम परेशान हैं, हमको नियुक्ति कब। सुप्रीम कोर्ट से 69,000 भर्ती का ऑर्डर रिलीज करवाओ। 69,000 शिक्षक भर्ती का द्वितीय चरण पूरा करो, हम भर्ती के सभी मानक पूर्ण करते हैं, हम 69,000 भर्ती के चयनित हैं। योगी जी राम राज्य में हम प्रतीक्षारत के साथ अन्याय क्यों, भर्ती के दो टुकड़े क्यों, सरकार की विभाजनकारी नीति नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमको चाहिए मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति, हमें दिवाली से पहले 2 नियुक्ति। बहुत ही बढ़िया स्लोगन, देखिए इस तरह का स्लोगन फिर से आपको प्रश्न सुनाता हूँ। हमें चाहिए मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति, हमें दिवाली से पहले 2 नियुक्ति। और आगे भी है, हम 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित हैं, हमको दिवाली से पहले नियुक्ति दो। जब परीक्षा एक साथ, परीक्षा फल एक साथ है, चयन एक साथ, तो नियुक्ति पत्र के साथ एक साथ क्यों नहीं। सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करे। ये गुहार लगा रहे हैं छात्र कि भाई सरकार भी तो प्रार्थना कर सकती है कि 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, ऑर्डर को आपने रिजर्व करके रखा हुआ है, ऑर्डर को पब्लिश नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे रोजगार का मुद्दा इतनी तेज़ी से छाया हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। ऑर्डर को पब्लिश कराने के लिए गुहार भी की जा सकती है सरकार की तरफ से भी, क्योंकि सरकार एक पक्ष है उसमें, तो सरकार गुहार कर सकती है। तो छात्रों की यही मांग है कि भाई ऑर्डर जल्दी जल्दी पब्लिश कराया जाए। इसके लिए छात्र आज ज्ञापन कार्यक्रम बनाए थे और पोस्टर बैनर लेके सड़कों पर आ गए और सभी जिलों के छात्र अपने जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें ज्ञापन दिया, पोस्टर बैनर लेके वहाँ पर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।